मंच पर जितने भी हमारे एमएलए हैं, जोगी रामन्ना और जितने भी यहाँ पे तेलंगाना के लोग बैठे हैं, सबको नमस्कार, जय राम। मैं छत्तीसगढ़ से यहाँ पे काम करने के लिए 2 साल हो गया, पूरा रामपियर डबल बेड रूम पे काम करता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ से यहाँ पे पहले 50 लोग आए थे काम करने, अभी भी हैं। यहाँ की सरकार बहुत अच्छी सरकार है और हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस सरकार खोखला झूठा वादे करते हैं। हमारे भूपेश बघेल जी और हमारे यहाँ सिर्फ 300 रुपए हमको मजदूरी मिलती है और यहाँ पे तेलंगाना में जब चाहे हमको 800 रुपए की मजदूरी मिलती है। हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार झूठ बोलते हैं, हमारे यहाँ पेंशन सिर्फ 300 रुपए मिलती है और यहाँ की सरकार 2000 रुपए पेंशन दे रही है। हमारे यहाँ शादी वगैरह होती है तो हमारे सरकार कुछ भी नहीं देती, लेकिन यहाँ की सरकार जो है वो 1,00,000 रुपए दे रही है। बहुत अच्छी सरकार है यहाँ की। और हमारे जो खेती मजदूरी करते हैं, हमारे यहाँ खेती मजदूरी करने को हमारी सरकार कुछ भी नहीं देती, इस कारण हम गांव छोड़कर छत्तीसगढ़ छोड़कर के यहाँ काम करने आते हैं। और यहाँ की सरकार बहुत ही अच्छी सरकार है जो यहाँ पे बहुत पैसा देती है खेती की शादी करने को, 10,000 रुपए देती है। हमको 2 साल हो गए यहाँ रहते तो पता रहता है। और हमारे यहाँ डिलीवरी होती है महिलाओं का तो हमें कुछ भी पैसा नहीं मिलता, यहाँ की सरकार 12,000 रुपए देती है। छत्तीसगढ़ से हमारे तेलंगाना पे 4 से 5 लाख लोग काम करते हैं, पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद, अपना आदिलाबाद, निजामाबाद, ये सब मिला करके 4-5 लाख काम करते हैं। और यहाँ की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। मैं आधार कार्ड भी लाया हूँ अपने छत्तीसगढ़ का, मेरे को 2 साल हो गए डबल बेड रूम में काम करता हूँ रामपुर पे। मैं जब भी था, पिछले साल भी हमारा अपना एमएलए साहब रामन्ना योगी रामन्ना गया था, मैं वहीं पे था। बहुत अच्छी उनकी, हमारे यहाँ रोड भी ऐसी नहीं है, रोड को तो साइकिल चलाने के काबिल नहीं है। यहाँ की रोड तो बहुत अच्छी है, हमारा साइकिल नहीं चला सकते हमारे यहाँ के रोड पे, ऐसी हमारी सरकार है। हमारे सरकार बहुत ही, कांग्रेस सरकार बहुत खराब सरकार है। ये सोनिया गांधी, राजीव गांधी, ये विदेश की है, ये बाहर से आए हैं लोग, हमारे छत्तीसगढ़ में इनको कोई नहीं गिनता, ऐसा है। हाँ, बिजली क्या है, बिजली है कि क्या है कि, अब मेरे को उतना ज्यादा बोलना नहीं आता इधर, बिजली नहीं देता, फसल खरीदता है पर जो बोनस देता है उसको 1 साल में रो कर देता है। करंट कैसा रहता, करंट नहीं है, अंधेरा रहता वहाँ, वही अंधेरा रहता। यहाँ तो करंट 2 मिनट में आ जाता है, रामपुर में देखा हूँ, हम लोग बोलते करंट आएगा नहीं आएगा, लेकिन वहाँ के सरपंच अपने जो है अपना लिंगा ना, 2 मिनट में करंट देता। हमारा अच्छा सुविधा अच्छा किया है, रहने का बहुत अच्छा साधन यहाँ पे, और पानी वाने के भी साधन अच्छा है। तो मैं इतना बोलकर अपने वाणी को नाम करूँ, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना।